चलो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक किसान था जो अपने खेतों में दिन में काम करता था, लेकिन अचानक किसी वजह से उसे अपने खेत में रात के समय में गुजरना पड़ा। जब वह किसान रात के समय में अपने खेत से गुजर रहा था, तब एक सांप ने उसे काट लिया। और उसने जब नज़र नीचे झुकाई तो उसने एक चूहे को जाते हुए देखा। उसे लगा कि चूहे ने काटा है, तो उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में सांप इतना जहरीला भी नहीं था। और उसने जाते हुए चूहे को देखा, उसने सोचा चूहे ने तो काटा है, कुछ होना तो नहीं है। ठीक यही घटना कुछ महीनों बाद फिर से हुई। जब वह दोबारा अपने खेत में रात के समय में आया कुछ महीनों बाद, उसको एक चूहे ने काटा। और उसने जब नीचे नज़र झुकाई तो उसने देखा एक सांप को जाते हुए। उसे लगा सांप ने काट लिया और वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। महीनों तक उसका इलाज चलता रहा और वह ठीक नहीं हो पाया। आखिर ठीक होता भी कैसे, क्योंकि काटा था चूहे ने और इलाज चल रहा था सांप का। इसी तरह आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई अन्य, उनमें से अधिकांश ऐसी होती हैं जो आपके भ्रम का परिणाम मात्र होती हैं। उनका अस्तित्व ही नहीं होता है और आप ऐसी चीज़ों का इलाज करवाते चले जाते हैं जिनका अस्तित्व भी नहीं है। जिनका अस्तित्व भी नहीं है वो बीमारी ठीक हो तो हो कैसी। तो अगर आपको अपने जीवन की दिशा को सही करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने भ्रम को तोड़ो और इस तरह आपके जीवन के ढेरों संघर्ष, ढेरों दुख दर्द, ढेरों परेशानियाँ, ढेरों बीमारियाँ तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह बढ़िया बढ़िया नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ साझा करें।